हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो आज हम इस तरह का ग्लास फोन बनाएंगे रियल ग्लास इफेक्ट के साथ। देख सकते हो वाइट कलर बैकग्राउंड में इस तरह का दिखेगा और ब्लैक वाला में इस तरह का दिखेगा। तो न्यू सेटिंग है और न्यू एडिटिंग के साथ पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद इसमें डबल टैप करके इसमें नेम ऐड कर लेते हैं। नेम ऐड करने के बाद इसमें हम फ़ॉन्ट लगाएंगे, एबल ऑप्शन में जाएंगे, ये भी फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये फ़ॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ करके साइज़ को, उसके बाद हम फिर से न्यू टेक्स्ट लेंगे और इसको हटा के हम इसमें कैपिटल में एफ़ लिखेंगे, एफ़ टैप करेंगे। उसके बाद हम फिर से ए पी फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं लीफ वाला। इसको साइज़ को इंक्रीज़ करके इसको यहाँ पे हमको एडजस्ट करना है इस तरह से। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद इसको हम सेव करने के लिए लेयर वाला ऑप्शन में जाएंगे, ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, सेव इमेज अल्ट्रा में इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद हम PSCC को ओपन करेंगे। अगर नहीं हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना। उसके बाद प्लस में जाएंगे, फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से हम एक फ़ोटो ले लेते हैं बैकग्राउंड, कोई डार्क सा फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद फिर से हम प्लस में जाएंगे, फोटो लेयर में जाएंगे, जो पिक्सल लैब हम सेव किए हैं उसे ले लेते हैं। इसे ले लेने के बाद इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे अच्छे से, उसके बाद ओके कर देंगे और इसका दो लेयर डुप्लीकेट बनाएंगे। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे, यहाँ से इन्वर्ट कर देते हैं इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से हम ड्रॉप शैडो लेंगे, ब्लर हम 3 रखेंगे, डिस्टेंस 4 और एंगल 90 पे ही रखेंगे, कलर ब्लैक। इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टी। लास्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से हम बेबल लेंगे और बेबल में हम इसको हम 15 रखेंगे और डिस्टेंस को हम 20 रखेंगे, कलर ब्लैक। एंगल हम 45 पे रखेंगे और 4 से 5 इस पर बेबल लगा देते हैं। तो सात बेबल लगा दिया। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन लाइटन कर देंगे, फिर बीच वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट टूल लेंगे और ये इस पर क्लिक होना चाहिए, ये क्लिक रहेगा तो ही पिक्सल सिलेक्ट होगा सिंगल सिंगल। इसमें हम फुल इन स्टॉक से कलर फिल करेंगे, इसमें हम पिंक ले लेते हैं। उसके बाद इसमें हम येलो कलर ले लेते हैं, हम सेम बनाएंगे थंबनेल में जो आप देखे सेम ही बनाएंगे हम। इसमें हम ग्रीन ले लेते हैं। ये हो जाने के बाद हम इसको प्लस मोड कर देंगे नीचे और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस मोड ज़रूर कर देना। उसके बाद नीचे वाले लेयर पे आएंगे, फुल इन स्टॉक में जाएंगे, कलर वाइट, टेप हम नुश रखेंगे और इसका अमाउंट जो है 5 रखेंगे। उसके बाद हम पिक्सल को यहाँ से डी सिलेक्ट कर लेंगे, अब फोटो के बाजू में भी टच करेंगे तो पिक्सल डी सिलेक्ट हो जाएगा। बीच वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और प्लस मोड रहना चाहिए, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से लेयर फ्रॉम सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद पिक्सल को डी सिलेक्ट कर लेंगे साइड में टैप करके। उसके बाद एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से बेबल लेंगे
और ब्लर हम 10 रखेंगे, डिस्टेंट भी 10, और एंगल जो है हम 180 पे रखेंगे। फिर से पेपर लेंगे, दूसरा एंगल 90, फिर से पेपर, कलर हमको वाइट ही रखना है, बैक कर लेते हैं, कलर हमको वाइट रखना है, बाकी बेबल 10 और डिस्टेंस 10। एंगल फर्स्ट हम लेंगे 180, दूसरा एंगल 90, तीसरा एंगल 0, चौथा एंगल फिर से हम 90 लेंगे। उसके बाद इसी लेयर को सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे, यहाँ से क्रॉस लेंगे, इसको जो है इस तरह का रखेंगे, इस तरह का। उसके बाद हम ओके कर देंगे, बीच वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से इस लेयर में जाएंगे, यहाँ से हम कलर ब्लेंस लेंगे, ये कलर ले लेते हैं। उसके बाद फिर से बीच में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से ऊपर वाले लेयर से कलर ब्लेंस लेंगे, और इस बार हम येलो ले लेते हैं, फिर से इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले पिक्सल हम डी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद या तो आप सिंगल मोड भी नॉर्मल मोड भी रख सकते हो। ये हो जाने के बाद फिर से इसमें आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से ऊपर वाला लेयर से क्रूस आ गया, क्रूस नहीं लेंगे, कलर ब्लेंस लेंगे, ये कलर ले लेते हैं। ये हो जाने के बाद हम बीच वाली लेयर पे जाएंगे और प्लस मोड रखना, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम जितना कितना 4 कलर लिए ना, इसमें हम 6 कलर ऐड करेंगे पत्ती में। नीचे वाली लेयर पे आएंगे, फुल स्टॉक में जाएंगे, और इस बार हम कलर वाइट है, अमाउंट इसका हम 2 रखेंगे। फिर से उसी में जाएंगे, सेम प्रोसेस, उस बार कलर हम फिरोजी कलर रखेंगे, इसका अमाउंट 2। फिर से उसी में जाएंगे, इस बार कलर हम पिंक ले लेते हैं, इसका अमाउंट भी 2। एक बार फिर से जाएंगे इसमें, और इस बार कलर ग्रीन, अमाउंट 2। इस बार रेड कलर ले लेते हैं, इसका भी अमाउंट 2। 6 कलर इसमें ऐड कर दिए हम। उसके बाद बीच वाले लेयर में जाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से प्लस में जाएंगे, यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लेंगे, और फुल इन स्टॉक में जाएंगे, टैप हम स्टॉक रखेंगे कलर वाइट, और इसको हम 5 पे ही रख 4 पे ही रखेंगे, 4px पे रखेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसी लेयर को सिलेक्ट करके FX में जाएंगे, यहाँ से बेबल लेंगे, पिक्सल को डी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम इसमें हम बेबल लेंगे, कलर वाइट रखना, ब्लर 2 रखना, और डिस्टेंट 2, इसका एंगल 180, इस बार हम एंगल 45, और तीसरा बेबल का एंगल 135, और चौथा एंगल 90 रखेंगे। उसके बाद हम फिर से हम क्रॉस में इसमें जाएंगे, क्रॉस लेंगे,
और इस बार थोड़ा हम चेंजिंग करेंगे इसको। इस तरह का रखेंगे। उसके बाद हम इसी लेयर को सिलेक्ट करके फ़ोटो में जाएंगे, यहाँ से हम सनी अपटन लेंगे, इसको फुल कर देंगे और फिर से उसी में जाएंगे, यहाँ से हम ओलिस पे लेंगे, इसको जो है हम 20 पे रखेंगे। उसके बाद फिर से इसी लेयर को सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे, यहाँ से हम शैडो हाईलाइट लेंगे, इसका लाइट जो है 40 पे कर देंगे। यह हो जाने के बाद फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे और यहाँ से हम ग्लो लेंगे, कलर वाइट ब्लर 0। उसके बाद हम इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और इसका भी एक डुप्लीकेट करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग सेम बन गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बाकी है। तो हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, प्लस में जाएंगे, यहाँ से हम एक लाइट ले लेते हैं। लाइट डाउनलोड में है, इसका साइज हम छोटा कर देंगे इस तरह का। और उसके बाद हम इसका जो है ना टेक्स्ट को हम इरेज करेंगे, टेक्स्ट को इरेज करने के बाद हम यहाँ से इसको कट करेंगे और पेस्ट करेंगे इस तरह से। हम इसको यहाँ पे लाइट को एडजस्ट कर देंगे, फिर से पेस्ट करेंगे, यहाँ से पेस्ट करते चले जाना है। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ये हो जाने के बाद फिर से हम एक और लाइट लेंगे, तो इसको हम मर्ज कर देते हैं ताकि लेयर हमारा ज़्यादा ना हो। मर्ज डाउन करेंगे, डन कर देंगे। इस बार हम फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लाइट ले लेते हैं गोल्ड वाला। इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ से कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, यहाँ से हमको पेस्ट करते चले जाना है। ब्लेंडिंग मोड सारे का आप ओवरले, ये सॉरी स्क्रीन कर देना। अगर यहाँ तक देख लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें हम। यह हो जाने के बाद इसमें हम एक लाइट और इस्तेमाल किए हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको हम लास्ट वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो को, इसमें हम कौन सा ये वाला है इसको भी यहाँ पे हम सेव कर देंगे, यहाँ से हम कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन,
लेयर ज़्यादा हो गया, इसे हम मर्ज कर लेते हैं। इसको यहाँ पर एडजस्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हो इसमें रियल गिलास का इफ़ेक्ट दिखेगा आपको बॉर्डर के साथ। अगर यहाँ तक दिख लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसको हम सेव कर देने के लिए डन करेंगे, इसको सेव करेंगे।